हेलो। तो यार सिर्फ एक दिन रह गया फास्ट लेन इवेंट होने में, मतलब अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो कल सुबह तक तो उतने टाइम में खत्म भी हो जाएगी शायद फास्ट लेन। एंड एज ऑलवेज मैं आ गया उस वीडियो के साथ जो कि हर इवेंट से पहले आती है, क्योंकि हर इवेंट से पहले काफी सारे रूमर सामने आते हैं कि इस इवेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है। एंड यही सेम क्वेश्चन हमारे बादल भाई की तरफ से भी आया है कि जब फास्ट लेन के पहले जो भी शॉक्स एंड सरप्राइज के रिटर्न के लास्ट मिनट रूमर सामने आ रहे हैं वो हमें बताओ। एंड यार आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया हूं जिसे सुनकर आपके दिल में घंटियां, आंखों में चमक और चेहरे पे तो स्माइल आ ही जाएगी, क्योंकि यार बात है कुछ कैसी? आपको मैं दिला सकता हूं एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 सिर्फ ₹1 में। विश्वास नहीं हो रहा तो दोबारा सुनो, आईफोन 15 सिर्फ ₹1 में। बट कैसे, जानने के लिए बस वीडियो को देखते रहो। हमेशा की तरह पहले ही बता देता हूं, ये जो लास्ट मिनट रूमर्स मैं आपको बताने वाला हूं ये हर प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले सामने आते हैं। इनमें से काफी सारे नहीं भी होते हैं और कुछ हो भी जाते हैं। मेनली रूमर्स आते हैं इवेंट की हाइप बनाने के लिए, ठीक है, और कुछ तो WWE खुद ही फैलाती है। तो पहले रूमर से हम शुरू करते हैं जो कि जजमेंट डे के दो मेंबर्स डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे उसो के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा है। शायद इस मैच में जजमेंट डे शॉकिंगली हार जाए अपनी टाइटल्स जब फिन बैलर और डेविन प्रीस्ट के बीच आर्गुमेंट हो जाए। अब यार ये चीज तो हमने कई बार देखी कि डेविन प्रीस्ट और फिन बैलर की अनबन हो जाती है काफी सारी चीजों पे। आई नो तभी ये रूमर सामने आया, बट पर्सनली मैं आपको बता दूं मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होने ही होता ना तो पहले ही हो जाता, WWE ने चैंपियंस नहीं बनाती। और वैसे भी हमें पता है कि यार कोडी रोड्स भी सिंगल्स रन पे जाएंगे, जे उसो को जिमी उसो से लग किया है, तो क्यों किया सिंगल्स रन पे जाने के लिए? तो ऑब्वियसली ये टैग टीम टाइटल्स तो जीतने नहीं वाले, इनकी कोई प्रॉपर टैग टीम भी नहीं है। WWE ने बस ये वाले इवेंट निकालने के लिए डाल दिया इनको टैग टीम में, अदरवाइज इनका साथ में कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, अगर ऐसा होना भी होगा ना जजमेंट डे का ब्रेकअप वगैरह, तो इसके लिए एक और रूमर है कि डेविन प्रीस्ट नवंबर दिसंबर के टाइम पे शायद अपना कैश इन करेंगे, जो कैश इन फेल हो जाएगा और उस फेलियर की वजह से जजमेंट डे के मेंबर्स डेविन प्रीस्ट को किक आउट कर देंगे अपनी फैक्शन से और शायद JD मैकडोना फिर उनकी जगह ले लें। और हाँ, इसी मैच से एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जो कि बिल्कुल रूमर के ऑपोजिट है कि जजमेंट डे इस मैच में जीत लेगी, रिटेन कर लेगी अपनी टाइटल्स और फिर WWE जो मैच बना रही है ना जजमेंट डे के चार मेंबर्स वर्सेस कोडी रोड्स की पूरी टीम, इनका मैच सेटअप करेगी सर्वाइवर सीरीज के लिए एक वॉर गेम्स मैच, जो कि हमें काफी टाइम से लग भी रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और एग्जैक्टली यही होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो चलो यार अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीत सकते हो, वो भी सिर्फ ₹1 में। तो पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से My11Circle को डाउनलोड करो और अभी अपनी टीम बनाओ 8 अक्टूबर यानी कि कल होने वाले वर्ल्ड कप के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए। उसमें अगर आप गिवअवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हो जिसकी एंट्री फी सिर्फ ₹1 है, तो आप एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीत सकते हो। बस ध्यान रखना कि ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और इसी लिंक से एक्टिवेट होगा, तो मिस मत करना, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हो तो आप 1 करोड़ तक प्राइज जीत सकते हो और हर दिन और बड़े प्राइजेस। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से My11Circle को डाउनलोड करते हो और मेरा ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा आपके My11Circle अकाउंट में। तो किसका वेट है, फिर डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नाउ। नाउ इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं जो कि WWE वुमेन चैंपियनशिप के ट्रिपल थ्रेट मैच से सामने आ रहा है कि शायद इस मैच में हमें जेड कारगिल का डेब्यू देखने को मिल सकता है। अब देखो यार, जेड कारगिल ने ऑफिशियली साइन कर लिया WWE के साथ, बट मेन क्वेश्चन फैंस का ये है कि वो डेब्यू कहां पे करने वाली है। NXT में आएंगी, मेन रोस्टर पे आएगी, रॉ पे, स्मैकडाउन पे या किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में? तो हो सकता है कि इस मैच के बीच वो इंटरफेरेंस कर ले, क्योंकि हमें तो पता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच है तो ऑब्वियसली नॉट डिस्क्वालिफिकेशन है। और ज्यादा रूमर्स हैं कि वो शार्लेट फ्लेयर को अटैक करे ताकि फिर WWE इन दोनों की फ्यूड स्टार्ट कर दे आगे के लिए। क्या पता ऐसा हो कि शार्लेट फ्लेयर ऑलमोस्ट जीतने वाली है और जेड कारगिल बीच में आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, बस ऐसा रूमर है, ठीक है। और इसके तो मुझे 50-50 चांसेस लगते हैं, होने को हो भी सकता है यार। WWE कितने वेट करवाएगी जेड कारगिल के डेब्यू के लिए? अगर WWE अभी से बिल्डअप शुरू कर देती है तो सऊदी अरेबिया में क्राउन ज्यूल होगी जो कि एक बड़ा इवेंट है, तो वहां के लिए सेटअप कर सकते हैं फिर मैच। चलो इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं जो कि अगेन इसी मैच से सामने आया है, भाई बेली इस मैच के बीच इंटेंशनली या एक्सीडेंटली कॉस्ट करवा देंगे उसका आइकॉन की टाइटल। पर्सनली मुझे तो इसके चांसेस बिल्कुल ही नहीं लगते, ठीक है। इसका रूमर सिर्फ इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि स्मैकडाउन के एपिसोड पे आपने देखा होगा कि बेली ने इयो स्काई की तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट किया था। इयो स्काई ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया था ये चैलेंज इस चैंपियनशिप मैच के लिए, बेली को जापानी समझ नहीं आया और उन्होंने हाँ हाँ कर दिया और उसके चक्कर में हमारी क्यूट सी इयो स्काई को मैच लड़ना पड़ रहा है यार। और इसी चक्कर में रूमर भी सामने आया, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए सीधा नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं जो कि जॉन सीना एंड एलए नाइट वर्सेस जिमी एंड सोलो के मैच से सामने आ रहा है कि भाई रोमन रेंज इस मैच के बीच अपना रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि भाई वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है एक लाइव इवेंट के लिए, उसके बाद नेक्स्ट मैकडाउन में भी आने वाले हैं। तो आप जब आने वाले हैं तो क्यों ना फास्ट लेन में शॉकिंग फैक्टर में अपना रिटर्न कर लें और हेल्प कर दे अपनी कजन्स को मैच जीतने के लिए। अब देखो इसके चांसेस मुझे 40-60 लग रहे हैं, पर्सनली मैं तो चाहता हूं वो आए, बट अगर वो अपने कजन्स को जितवाने वाले हैं जॉन सीना और एलए नाइट से, तो फिर मैं नहीं चाहूंगा ये, क्योंकि यार जॉन सीना को इतना हारते हुए देख लिया, वॉर नहीं यार, एक आध मैच तो जीतने दो यार उन्हें। और जैसे कि मैंने बोला यार, चांसेस थोड़े कम ही। और लास्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं जो कि सेथ वर्सेस शिंसके के मैच से सामने आ रहा है कि भाई डेविन प्रीस इस मैच में अपना कैश इन कर सकते हैं। ये नहीं पता कि भाई सक्सेसफुली कैश इन करेंगे या फिर अनसक्सेसफुल कैश इन करेंगे, बस कर सकते हैं इतना सा सुनने में आया है, जो कि ऑब्वियसली अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच
मैच है, नो डिस्क्वालिफिकेशन है, वैसे ही बंदे थक गए होते हैं, तो अगर वो ट्राई मारना चाहें तो ट्राई मारने के लिए तो आ सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि भाई मनी इन द बैंक उनके पास से चला जाएगा या फिर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाएंगे, बस आ सकते हैं आने को। और उड़ते उड़ते इस सिक्स मैन टैग टीम मैच से भी रूमर सामने आ रहा है कि भाई सैंटोस एस्कोबार जो है वो हील टर्न कर सकते हैं रे मिस्टीरियो पे। अब देखो यार, इसकी पॉसिबिलिटी तो है थोड़ी बहुत, क्योंकि जब हमने स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था, जब इन दोनों का मैच हो रहा था, तो लास्ट में रे मिस्टीरियो ने कैसे हराया था सैंटोस एस्कोबार को, रोल अप करके पिन किया था, जिससे कि वो थोड़े से खफा खफा लग रहे थे। तो हो सकता है कि वो सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दे सारी इस मैच में, जब वो रे मिस्टीरियो पे सच में हील टर्न कर ले। अब देखो यार, ये बात तो हमें पता है कि ये चीज कभी ना कभी तो आनी आनी है, तो क्या पता फास्ट लेन में ही हो जाए ये चीज। और एक और उड़ता उड़ता रूमर पता नहीं कहां से आ रहा है, भाई ट्रिपल एच एलन नाइट को कॉस्ट करवा सकते हैं मैच यहां पे। आई नो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रिपल एच वो कहां से आ गए। यार कुछ तो ऐसा रूमर है कि भाई अथॉरिटी वापस आने वाली है, मुझे नहीं पता कब कैसे कहां क्यों, बस जितना सा रूमर था, जितनी सी बात लिखी हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि अथॉरिटी और एलन नाइट की स्टोरी लाइन को आगे लेके चले, क्योंकि आपको तो पता ही एलन नाइट इतने ज्यादा पॉपुलर है, तो जब अथॉरिटी उनके बीच घुसेगी ना, उनकी पॉपुलैरिटी के बीच, तो वो टॉप कार्ड में भी डाल सकते हैं, समझ रहे हो बात की गहराई को। इसके अलावा एक छोटी सी बात इसी मैच से सामने आ रही कि भाई शायद इस मैच में हमें एजी स्टाइल्स की भी इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, जब वो हेल्प करने आ सकते हैं सीना और एलन नाइट की। अब देखो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है, रूमर्स भी एंडलेस है, पर हाँ जिसका सबसे ज्यादा सेंस बनता हुआ दिख रहा था वो सब मैंने आपको बता दिए। और जैसे मैंने पहले बोल दिया, ये तो हर बार का है, रूमर्स आते ही लास्ट में कुछ सही भी हो जाते हैं, काफी सारे गलत भी हो जाते हैं, मेन है एंजॉय करना। हाइप्ड अप तो आई नो आप हो गए फास्ट लेन के लिए, तो शॉक्स एंड सरप्राइजेस तो सारे खत्म हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ रिटर्न्स की। सिर्फ दो सुपरस्टार्स के रिटर्न्स के रूमर सामने आ रहे हैं, एक तो बिगी का है, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई मैच ही नहीं फास्ट लेन में हो रहा जहां पे बिगी को इन्वॉल्व कर सकती है WWE। और इसके अलावा जो रिटर्न का रूमर है वो है द वाइपर द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का, और अगेन मुझे इनका भी चांस नहीं लगता कि वो फास्ट लेन में आएंगे, अभी तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं पक्का ही बोल रहा हूँ कि ना भाई आएंगे नहीं, रूमर बिल्कुल ही गलत है, शॉक देने को कहीं भी दिया जा सकता है, पर हाँ ये बात तो है कि चांसेस काफी कम है। बगैर आपके कितने एक्साइटमेंट है फास्ट लेन के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आज तो जितने कमेंट करोगे सबको हार्ट देने वाला हूँ मैं। अभी जस्ट वीडियो एडिट करते करते मुझे पता लगा कि ड्रू मैकइंटायर की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, तो वो जजमेंट डे वाले मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोडी रोड्स वगैरह पे अटैक कर सकते, या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंस्के नाकामुरा के वर्ल्ड टाइटल मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जब वो सेथ रॉलिंस पे अटैक करे, ताकि फिर ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस की फॉर क्राउन ज्यूल 2023, जो कि काफी एक्साइटिंग चीज होगी यार देखने को। एंड हां यार, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से माय 11 सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलना, जिससे कि आप एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 मेरा कूपन कोड यूज करने पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश और टॉप प्राइजेस में 1 करोड़ तक जीत सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पिन कर दिया है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपको फास्ट लेन के सभी मैचेस के रिजल्ट्स जानने हैं, तो कल ही मैंने वीडियो डाली थी, ये रही आपके सामने, क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।